อนหรือเปล่าป๊อป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 ป सासू काको 33 का मतलब पता होगा हाँ इसीलिए तो उनपे अटैक हुआ होगा मगर इनसे 33 का मतलब समझना बहुत मुश्किल है सासू का अभी भी नंबर 1 पर ही है अगर ये हट जाएंगे तो हाँ नंबर 1 ये हो जाएंगी अगर फर्स्ट नंबर पर आ जाए तो स्पेशल लंच मिलता है मुझे तो इन पे शक हो रहा है जल्दी चलना होगा या कि सुबह ब्रेड खत्म हो जाएगा दौड़ना अलाउड नहीं है मैं दौड़ नहीं रहा हूँ मैं तो चल रहा हूँ या कि सुबह मैं आ रहा खाना 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 चाहिए खाना दो खाना दे दो खाना दे दो खाना दे दो स्पीड में बाइक चलाना इट्स नॉट एलीट अरे पॉइंट्स की चिंता किसे है चिंता करनी है तो तुम अपनी चिंता करो सारे वो ले गया रुक जाइए ये किस सुबह ब्रेड वैसे एक बात तो है तुम अब बिल्कुल अलग हो गए हो मसाओ ओ दीदी अपुन मसाओ नहीं है अपुन है ओनीगिरी मसाओ समझी अच्छा तुम्हें कुछ प्रूफ मिला क्या तुम्हारा लीडर याकिसुबा ब्रेड चुराता है हाँ अनिके के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है अनिके वो कौन है वहाँ देखो बेंजो भैया थैंक यू वो तो ये वो लड़का है जिसके स्कूल में सबसे कम पॉइंट्स हैं ये कभी कभी मुझे ऐसे ही याकिसोबा ब्रेड दे देते हैं उन्होंने मुझसे कहा था एक टाइम था जब ये स्कूल एक शांत जगह थी जब से प्रिंसिपल ने एलीट पॉइंट्स का सिस्टम स्टार्ट किया है सिर्फ एलीट लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाता है और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाया जाता है अब तो यहाँ सांस लेना भी मुश्किल लगता है लेकिन मैं बस यहाँ कमजोर लोगों के लिए रुका हूं मन तो करता है कि यहाँ के सिस्टम को तबाह कर दूं, बर्बाद कर दूं। लाएगा क्या पगले तबाह कर दो बर्बाद कर दो मतलब जो तबाह कर सकता है वो काट भी सकता है बकवास बंद करो शिनचान वो हमारे जैसे कमजोर स्टूडेंट्स का मसीहा है मैं उनके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सुन सकता सुनो बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो हाँ बोलो मैं कुछ पूछना चाहता था कल रात आप क्लॉक टावर पर क्या कर रही थी आप बता सकती हो मेरी जासूसी कर रहे हो मैंने कल आपको वहाँ से भागते हुए देखा था तुम वहाँ अकेले ही थे ना ये बात तुमने किसी को बताई तो नहीं 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 किसी को नहीं बताओगे तो ही फायदे में रहोगे